तमाम तुलबा को सेंट्रलाइज करके पाकिस्तान के एमडीकेट के नाम से एक टेस्ट मुतारिफ कराया, मेडिकल डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। उसकी फीस भी ज्यादा की गई और उसकी परसेंटेज इतनी हाई रखी गई कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए वो क्लियर करना तकरीबन नामुमकिन हो गया, लेकिन जिसे वो चाहते वो क्लियर हो जाता। 55% सीटें सूबह सिंध की खाली रह गई, 16,000 बच्चों ने बैरून मुल्क जाके दाखिला लिया, जिससे 9 अरब डॉलर से ज्यादा आपका जर मुबादला भी बाहर चला गया। स्याह सफेद के मालिक ये लोग गैरकानूनी भर्तियों के साथ साथ और भी बहुत कुछ करते रहे। अच्छा, अब तफसील में थोड़ा सा जाते हैं कि सूबों की चूंकि इसमें बराबर नुमाइंदगी नहीं थी, तो हमने कल वाले कानून में तमाम सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान को बराबर नुमाइंदगी दे दी, साथ साथ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भी नुमाइंदगी दे दी। आपके इल्म में होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, कहा तो ये जाता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में ऐसे बोर्ड और ऐसे इदारे बनाए गए हैं जिनको फेसबुक के जरिए अमेरिका से चलाया जाता रहा, और आपके भी इल्म में होंगे जो एक्स सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार थे वो फेसबुक उस पर फेस टाइम पे या इंटरनेट के जरिए ये मिनिस्ट्री चला रहे थे। और अगर आप मेंबरान को देखें तो उनमें से अक्सरियत की ताल्लुक अमरीकी है, गैर मुल्की है, जो यहां रहते भी नहीं है। एनआईएच को देख लें आप तो उसके मेंबरान भी ज्यादातर कनाडा और अमेरिका में क्याम पजीर हैं, वो थ्रू इंटरनेट आपसे कनेक्ट होते हैं और अहकामात जारी करते हैं, और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उन्हीं अहकामात पर चल रही थी। तो ये तमाम चीजें आपके इलम में लाना जरूरी है। और जैसे ही पीएमडीसी खत्म हुई और उसका रिकॉर्ड तमाम खत्म किया गया, तो अब हम तहकीकात करने जा रहे हैं कि कितने ऐसे डॉक्टर्स ने अपने आप को डॉक्टर क्लेम किया जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो पता भी नहीं कि वो डॉक्टर हैं या नहीं है। अच्छा, मुलाजमीन के लिए एक जबरी गोल्डन शेकेंड की शर्त रखी गई। अब गोल्डन शेकेंड हमेशा आप अपनी मर्जी से लेते हैं, यहां पर एक लॉ में रखा गया है कि जी आपको जबरी तौर पर गोल्डन हैंडशेक लेना होगा, रकम खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगी, आप नौकरी पर मत आए। एक तरफ तो आप उनको निकालते रहे, दूसरी तरफ भारी, बहुत भारी मुआवजे के तहत अपने मनपसंद लोगों को रखते रहे। इसकी टेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी मीडिया के जरिए हमें पता चला कि तो बहुत बड़ा स्कैम है कि एक अपने ही इदारे के ऑडिटर को वो कॉन्ट्रैक्ट पहले दिया गया और उसके बाद रजिस्ट्रेशन उसकी बाद में हुई, उसकी फर्म उसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन बाद में हुई, ये हमें मीडिया के जरिए पता चला, जिसको हम तहकीकात भी करेंगे और जरूरी हुआ तो इन तमाम केसेस को जो है एक ऐसी नैब जो गैर सियासी हो, जो आम ट्विस्ट करके वफादारियां तब्दील करने के काम ना आती हो जैसे पहले थी, एक आजाद नैब के हवाले करेंगे। ये बिल कल कौमी असेंबली से यूनानिमसली पास हुआ है और अब सेनेट गया है। ऐसे खानदान 30 खानदान ऐसे भी हैं जिनकी 2 साल से पेंशन भी रोकी गई, लिहाजा बजाय हम ज्यादा उसमें जाएं डिटेल में, मैं सिर्फ आपके तवसुस से ये बात करना चाहूंगा कि अब पाकिस्तानी बच्चों को ये जुल्म सहना नहीं पड़ेगा कि पहले वो मेडिकल दाखिले का टेस्ट दें, उसके बाद वो एमबीबीएस के हर स्टेज पे 4-5 साल टेस्ट देते रहें, फिर वो एमबीबीएस का फाइनल टेस्ट भी जब दें तो उसके बाद एक टेस्ट फिर इनको भी दें, और जिसकी परसेंटेज में दोबारा कहूंगा कि इन्होंने इतनी ज्यादा रखी थी कि जो पाकिस्तानी बच्चे जहनी अजियत का शिकार थे, और यंग डॉक्टर्स उनके लिए एनएलई लाइसेंसिंग टेस्ट उसकी परसेंटेज भी इतनी हाई थी कि आपने देखा कि ये गहरी तशवीश का बायस बना हुआ था और हम इसे काला कानून कहते थे। तो बफसले खुदा ताला हमने अल्लाह के फजल से ही कल कानून बिल्कुल खत्म किया है, अब ये सेनेट चला गया है, और मुझे उम्मीद है और आपके तवसुस से मैं बात
अपने ऐवान बाला के मेम्बरान तक भी पहुंचाऊंगा, खुद भी उनसे बात करूंगा कि जल्द अज जल्द इस बिल को पास किया जाए ताकि हम पूरी तरह से इसको अमली तौर पर अमल पैरा इस पर हो सके। अब आपके इसमें कुछ सवाल होंगे तो आप ले लें और उसके बाद फिर हम सर जी وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر عبدالقادر پٹیل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں غیر قانونی بھرتیاں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت میں ایسے ادارے بھی بنائے گئے جنہیں بیرون ملک بیٹھ کر وہاں سے آپریٹ کیا گیا۔ وزارت صحت کے حوالے سے کئی ایسے فیصلے کیے گئے جو قابل اعتراض تھے۔